मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक थिक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है, थिक कंडक्टर है। और यहां हम तीन अलग अलग कंडीशंस में फाइंड करेंगे। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और थिक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मैंने कुछ ज्यादा ही थिक बनाया है इसको, थोड़ा सा डायग्राम मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो कुछ ज्यादा ही थिक मैं बना रहा हूं। ये थिक करंट कैरिंग कंडक्टर, सिलिंड्रिकल शेप बनाई है हमने, सिलिंड्रिकल शेप का, और ये एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड है, लॉन्ग है, उसका एक छोटा सा पार्ट बना लिया मैंने, ठीक है। तो फिर इसकी कहीं अपनी एक्सिस भी होगी ना, ये एक्सिस ऑफ कंडक्टर हो गया, दिस इज एक्सिस ऑफ कंडक्टर, ओके। एंड रेडियस ऑफ कंडक्टर इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कंडक्टर इज कैपिटल आर। और इसके पूरे क्रॉस सेक्शन पर हम शो तो नहीं कर सकते, उसे कॉपी में शो नहीं कर सकते, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन पर जो करंट चल रही है, इसमें पूरे क्रॉस सेक्शन पर करंट चल रही है आई, मतलब ये आई पूरे सरफेस, पूरे क्रॉस सेक्शनल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्रॉस सेक्शनल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आई, ठीक है। अब एक पॉइंट है पी, इसे हम लेंगे इनसाइड द कंडक्टर, पॉइंट पी है वेल इनसाइड द कंडक्टर। यहां पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो पॉइंट पी से पास होते हुए क्या करेंगे हम पास होते हुए एक एम्पीरियन लूप, सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लेंगे। पॉइंट पी से पास होते हुए ये सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप हो गया, और फिर यहाँ क्या करेंगे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट, सॉरी लेंथ एलिमेंट डीएल वेक्टर भी कंसिडर करेंगे यहाँ, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। अच्छा, इसको करने से पहले एक बात और छोटी सी हम डिस्कस कर लें, एक बात हम और डिस्कस कर लें, और ये उसी से मिलता जुलता है, किससे, गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम में पहले गॉस थ्योरम का एक छोटा सा मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस नहीं, ये एक मेटल है, मेटल ब्लॉक है ये, इसके ऊपर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर एक ये कैविटी है, खाली जगह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन द सरफेस आउटसाइड दिस कैविटी इज जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ इस पॉइंट पी पर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इंड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन खुद अपने अंदर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। आप पहले ही जानते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। या अगर कहीं आपका कोई कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग भी है, अगर आपका कोई सॉलिड है और वो नॉन कंडक्टिंग है, देखिए ये तो मैंने बनाया कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में डिफरेंस ये है कि कंडक्टिंग अगर है मटेरियल आपका पूरा सॉलिड कंडक्टर है, तो फिर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आउटर सरफेस ओनली, बाहर बाहर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर आपका ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, जैसे कि प्लास्टिक है या थर्मोकोल है या कुछ और है इस तरह नॉन कंडक्टर, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ एक पॉइंट कंसिडर करूँ, यहाँ एक पॉइंट पी कंसिडर करूँ, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका,
इट इज ड्यू टू द चार्ज इनसाइड योर गॉसियन सरफेस, सिर्फ इस वाले चार्ज के कारण होगा पॉइंट पी पर। इसके बाहर जो पॉइंट है, इसके बाहर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर जीरो है। क्यों जीरो होता है, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा, ये चार्ज ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज ऐसे प्रोड्यूस करेगा, तो जितना भी इसके बाहर का चार्ज है, कोई भी आपका कंडक्टर या नॉन कंडक्टर के अंदर, उसके अपने चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल इसके कारण। और याद कीजिए, हमने एक डेरिवेशन की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर स्फीयर इनसाइड द स्फीयर, फिर सरफेस पर स्फीयर के, और सरफेस आउटसाइड द स्फीयर हमने किया था। तो किसी भी कंडक्टर पर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर है, उस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सपोज आपके इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज ना आता, तो फिर पॉइंट पी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य, जीरो हो जाता, क्यों बाकी सारे चार्जेस के बाहर है। ठीक वैसे ही यहाँ पॉइंट पी पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज ड्यू टू द करंट लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप। जो इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट आ गई, केवल उस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंड्यूस किया। जो करंट आपकी चल रही है बाहर, उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर जीरो होगा। अच्छा, अभी ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जी, अभी तो आपने कहा था कि इस कोई करंट अगर बाहर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ हो सकता है। जो हम एम्पीरियन लूप से एम्पीयर सर्कुलर लॉ से फाइंड करेंगे, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई वन आई टू आई थ्री, लेकिन आई फोर का भी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो सकता है। यहाँ भी वही बात है कि पॉइंट पी पर देखो, करंट का जो चलना है वो यहाँ से भी चल रही, करंट यहाँ से भी चल रही, यहाँ से भी चल रही, यहाँ से भी चल रही, यहाँ से पूरे सॉलिड के अंदर से चल रही है, पूरे क्रॉस सेक्शनल पर। तो अगर मैं पॉइंट पी पर इस वाली करंट का मैग्नेटिक फील्ड लूँ तो आएगा, इस वाली करंट का मैग्नेटिक फील्ड लूँ तो आएगा, इस वाली का तो लूँ तो आएगा, इस वाली का लूँ तो आएगा, इस पर, लेकिन वो सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट फ्लोइंग आउटसाइड आउटसाइड एम्पीरियन लूप इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप ओनली। इफेक्टिवली यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो केवल इसका बनेगा। आप इमेजिन ये करो कि यहाँ ये है और इसके साथ साथ कोई एक और भी आई फाइव है। अब पता चला कि आई फोर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, आई फाइव ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, वो एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है। तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड भी केवल आई वन आई टू आई थ्री के कारण ही रह जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। सर, तो मैं ये कह रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पर, हाँ वो सर इसके अंदर एम्पीरियन लूप के अंदर जो चार करंट चल रही है उसके भी तो अपोजिट कोई और होगा यहाँ पर, तो इसके कारण भी जीरो हो सकती है सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि एम्पीरियन लूप के अंदर जो करंट चल रही है उनके भी तो अपोजिट कोई होगा। वो जो पॉइंट पी पर हम कर रहे हैं, वो ये वाली करंट, इसके अपोजिट वाली करंट, ये सब करंट, वो इसके अपोजिट ये कर, इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट, वो सारे आपस में बैलेंस हो गए। इसको काटने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर सर इज पर इन पॉइंट्स की डिस्टेंस भी तो अलग अलग है, राइट वाले क्लोजर में है और लेफ्ट वाले मतलब कि थोड़े दूर हैं, हाँ, तो सर कोई बात ये नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, कैसे बैलेंस कर लेंगे? हाँ कोई बात नहीं। अगर ये दूर है तो इनका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अगर ये पास है तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम बचा हुआ है, या कम करंट होगी। ये दूर है तो यहाँ ज्यादा बचा हुआ है। इस पे सारा हिसाब मिलकर के वही बन जाता है कि ये वाली करंट का मैग्नेटिक फील्ड या नेट जीरो हो जाता है। वो सब अपने आप एडजस्ट हो जाने वाला है कि अगर कोई दूर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम है, अगर कहीं पास है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। वो सब आपस में एडजस्ट होते चले जाएंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर रह जाएगा ड्यू टू द करंट लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप ओनली। बाकी इसके बाहर जो करंट, सर अगर इसे सेंटर में ना बना के किसी तरफ को बना दिया जाए, सर एम्पीरियल लूप राइट की तरफ को शिफ्ट कर दें? हाँ यस सर।
अगर एम्पीरियन लूप यहाँ आप शिफ्ट कर दोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर सिमेट्रिकली आप पॉइंट बी पर सिमेट्रिकली आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट नहीं कर पाएंगे। याद कीजिए कि हम सिमेट्रिकल शेप क्यों ले रहे हैं, ताकि हम इंटीग्रेशन में मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर पाएं। अबाउट द एक्सिस ऑफ कंडक्टर के अबाउट हमने सिमेट्रिकल लूप बना लिया। अगर आप इस लूप को यहाँ बना लें तो फिर ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, फिर पॉइंट बी पर आप इंटीग्रेशन करने में पॉइंट बी पर आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट नहीं ले सकते, फिर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा, लंबी कहानी हो जाएगी। इसलिए लूप सर करंट करंट सर एक्सिस पर ही थोड़ी है, पूरे कंडक्टर में है। हाँ, पूरे कंडक्टर में करंट है, बिल्कुल करंट यहाँ से भी फ्लो कर रही है, यहाँ से भी, हर जगह से करंट फ्लो कर रही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, एम्पीरियन लूप लगाने के लिए हमें बी डी एल को इंटीग्रेट करना है, तो इन दोनों में से डी एल तो कांस्टेंट हो तो होने से रहेगा, लेकिन कम से कम बी कांस्टेंट हो जाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिकल लें। सिमेट्रिकल लें, जो करंट फ्लो कर रही है वो आई आपके पूरे सरफेस पर फ्लो कर रही है, लेकिन जो एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट जब आपने ये सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाया तो अपने आप ये सिमेट्रिकल बन गया, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बन गया, तब आपकी ये वाली करंट, ये करंट सारी की सारी आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती चली जाएंगी। लेकिन अगर एम्पीरियन लूप यहाँ कंसिडर कर लें तो फिर वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं बन पाएगा, उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाएगी। अभी तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है, तो फिर क्या होगा, सारे के सारे आर डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर आप एम्पीरियन लूप यहाँ बना रहे तो इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इसके यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं हो पाएगा, फिर तो समस्या बन जाएगी ना, फिर इंटीग्रेशन लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा, वो आपके सिलेबस से, आपके स्कोप से ही बाहर है फिलहाल। तो हमने एम्पीरियन लूप या गॉसियन सरफेस हम सिमेट्रिकली क्यों ले लेते हैं, सिमेट्रिकल इसलिए ले लेते हैं ताकि हमारे इंटीग्रेशन में एटलीस्ट बी कॉन्स्टेंट होकर या ई कॉन्स्टेंट होकर बाहर निकल जाए। तो तरीके तो बहुत हैं, एम्पीरियन आप यहाँ लूप बना के भी लगा लो, लेकिन फिलहाल वो तरीका हमारे स्कोप के बाहर है, क्यों, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगी, उसमें उसकी मैथमेटिक्स। सर अगर एम्पीरियन लूप हम सिमेट्री के अलोंग बना रहे हैं तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बच रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पर इन दोनों की तरफ से जीरो कैसे हो जाएगा सर, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है। यहां पर यस सर। अच्छा, पॉइंट पॉइंट पी पर मतलब इस वाली, ये इस पार्ट से जो करंट जा रही है वो, और इस पार्ट से जो करंट जा रही है वो, देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पॉइंट पी पर देखूंगा तो डिस्टेंस मुझे यहाँ, इस करंट का डिस्टेंस मुझे ये लेना पड़ेगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक लेना पड़ेगा, अगर मैं करंट यहाँ ले रहा हूँ ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, दूर है, फिर एक करंट मुझे यहाँ से लेनी पड़ेगी, एक करंट यहाँ से लेनी पड़ेगी, एक करंट यहाँ से, एक करंट, तो बहुत सारी जगह है जहाँ से करंट चल रही है, लेकिन ये दूर होती चली आ रही है। अब अगर ये कम है करंट, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, कम है करंट तो, लेकिन ये पास है, तो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होंगे, मतलब वही इक्वल पड़ जाएंगे, हिसाब मिलाकर सारा वहीं का वहीं आ जाता है। अगर ये करंट्स बहुत सारी हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूर होती चली जा रही हैं, ये करंट्स अगर कम है तो पास है, इन सारी करंट्स का मैग्नेटिक फील्ड, इन सारी करंट्स का मैग्नेटिक फील्ड, वो सब आपस में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अभी अभी 12th लेवल पर, आपके स्कूल लेवल पर हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने आगे फिजिक्स ली है तब आपको वहाँ धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। 12th लेवल पर PhD तो नहीं कराई जा सकती ना, 12th लेवल पर आप MSc लेवल की मैग्नेटिज्म तो नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए वो सारी चीज़ें आगे अपने आप आती चली जाएंगी आपको, और जो यहाँ छोटे छोटे से कन्फ्यूजन्स हैं वो धीरे धीरे आपको आगे क्लियर होते चले जाएंगे। अभी भी जो हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं अपनी डेरिवेशन में वो कम यूज़ करते हैं, आगे चल के वो सारे कंसिडरेशन नहीं होंगे, वो सारी मैथमेटिकली, जो आप बात कह रहे हो ना कि ये वाली करंट के वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होना, ये सारे मैथमेटिकली प्रूव कर दोगे फिर आप आगे चलकर, अभी प्रूव नहीं कर रहे हैं हम इस चीज को, लेकिन आप आगे चलकर के आप मैथमेटिकली से प्रूव कर दो, हाँ भाई ठीक है, केवल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पर केवल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द करंट लिंक्ड विद द एम्पीरियन लूप, बाकी जो करंट्स का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पर है आप खुद मैथमेटिकली उसे जीरो ला दोगे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वहां तक हमें फिलहाल पहुंचना नहीं है सर। हाँ
मैं ये कह रहा था कि हम सिमेट्री इसलिए लेते हैं कि ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट आ जाए। हाँ तो सर करंट करंट तो पूरे कंडक्टर में एक एक सी चल रही है हाँ सर। अगर हम यहाँ साइड में बना लें ये वाली एम्पीरियन लूप, तो सर उससे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आ जाएगा नहीं आएगा, नहीं थोड़ा आएगा, सा। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं आएगा फिर उससे। फिर उससे जो पॉइंट बी पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं ड्यू टू करंट आउटसाइड, ड्यू टू करंट आउटसाइड एम्पीरियन लूप, ये वाला फिर जीरो नहीं हो पाएगा। मैं वही तो बात सारी बता रहा हूँ कि अगर लूप आप यहाँ ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो आप मैथमेटिकली आगे निकाल लोगे इस चीज़ को। अगर आपने सिर्फ MSc की, आपने मैग्नेटिज्म में मैग्नेट्स और उसके के साथ में बहुत डिटेल चीज़ें हो जाती हैं सारी की सारी, ये और धीरे धीरे आपको आगे क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम यही कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ड्यू टू द करंट लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप। तो फिर यहाँ क्या आया, फिर हम वही लगा देते हैं, छोटा सा छोटी सी मैथमेटिक्स अपनी, क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी BdL cos थीटा, हेयर B वेक्टर पैरेलल डीएल वेक्टर, हैंस थीटा इक्वल जीरो, थीटा जीरो है तो इंटीग्रेशन BdL इज इक्वल टू क्या बना, इंटीग्रेशन BdL। फिर वही कहानी, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ एम्पीरियल लूप B इज कांस्टेंट ऑल ओवर इट, तो फिर क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन BdL इज इक्वल टू बी इंटीग्रेशन डीएल, और ये आपका बन गया बी इंटू टू पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इस एम्पीरियन लूप का रेडियस या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, करेक्ट। अब बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से क्या होगा, इंटीग्रेशन BdL इज इक्वल टू माई म्यू नॉट आई डैश, मैं इसे आई डैश लिख रहा हूँ। आई डैश क्या है एक्चुअली, आई डैश है करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियन लूप, करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियन लूप, करेक्ट। तो आई डैश कितना है, देखो यहां से आई डैश क्या होगा, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी टू पाई पाई आर स्क्वायर पर कितनी करंट है, आई। तो यूनिट यूनिट क्रॉस सेक्शन पर कितनी करंट हो गई, आई बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पर करंट है कितनी, आई। तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शन पर करंट कितना हुआ, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट लिंक्ड हो गई आपकी, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है क्रॉस सेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। तो पाई से पाई कैंसिल होकर आई डैश क्या बचा आपका, आई डैश बचा आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये आपका क्या बना, ये आपका तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से है, और ये आपने फाइंड करा इंटीग्रेशन किससे, मैथमेटिकली बी इंटू टू पाई आर, तो दोनों को इक्वल कर दें, बी टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आपके लिए बी कितना बन जाएगा, बी बन जाएगा म्यू नॉट, म्यू नॉट एक आर से तो आर कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय टू पाई आर स्क्वायर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लूँ तो इसको परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, एनी वे वैक्टर में नहीं ले रहा, ये आपका फाइंड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। अब सीधी सी बात है, आगे हम डेरिवेशन नहीं करेंगे,
अगर पॉइंट पी मैंने लिया है कहाँ, एट द सरफेस, तो फिर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। तो फॉर ए पॉइंट एट द सरफेस, फॉर ए पॉइंट एट द सरफेस, अब आपके लिए क्या बनेगा इसका, स्मॉल स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर भी खत्म हो जाएगा आपका, एक कैपिटल आर है, नीचे से कैपिटल आर खत्म होकर के क्या बचेगा आपका, म्यू नॉट आई बाय टू पाई कैपिटल आर टेस्ला, ये बन गया। अच्छा, कोई भी पॉइंट अगर आप ले लेंगे, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर अगर आप ले लेंगे तो टोटल करंट, टोटल करंट लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू आई हो जाएगी। और फिर सारा, फिर एम्पीरियन लूप आपको कहाँ बनाना पड़ेगा, बाहर बनाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली क्या आएगा आपके पास, आपके पास आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय टू पाई स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर बन जाएगा कैपिटल आर से लार्जर। ये आपका बन गया। ध्यान से देखिए कि जब तक आप कंडक्टर के अंदर हैं तब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो मैं जल्दी से एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाना है। तो यहाँ से एक ग्राफ छोटा सा मैं बना देता हूँ इसी के साथ में, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू, जब तक कंडक्टर के अंदर है तब तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और फिर ये बाहर निकल करके क्या बन जाएगा, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बन जाएगा। और कंडक्टर की सरफेस पर मैक्सिमम है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर, सरफेस पर मैक्सिमम, सरफेस के अंदर जाएंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सेंटर से एक्सिस से सरफेस तक आएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपका ग्राफ भी बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है।